मॉर्निंग। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी सुबह हो गया, अभी 5 बज गया, अभी उठना है मुझे। उसके बाद थोड़ा ड्राइंग बनाना है। तो आज का ब्लॉग आप पूरा देखते रहिए, मैं क्या क्या कर रहा हूँ। ए टू जेड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले तो मैं अभी थोड़ा उठता हूँ, उसके बाद थोड़ा ड्राइंग करूँगा। उससे पहले थोड़ा मुँह साफ कर लेता हूँ, ठीक है, धो लेता हूँ, उसके बाद ड्राइंग करूँगा। तो चलिए, तो दोस्तों अभी ड्राइंग करने के लिए बैठूँगा। ये जो आप देख सकते हैं, ये टेबल है, ठीक है। कितना ड्राइंग बना हूँ ये भी दिखा देता हूँ। दोस्तों आज अभी मछली लेने के लिए आया हूँ। संडे का बाज़ार है तो मछली अभी तक आया नहीं, तो मछली के लिए अभी वेट कर रहा हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया एक व्यू देख रहे हैं ना, सरसों का खेत जो है यहाँ पर देखिए, सरसों है, ठीक है। तो वेट करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो दोस्तों अभी हम मछली तो मिला नहीं है, तो अभी थोड़ा घूमता हुआ इधर है। तो तुम कहाँ घूमने जा रहे पता है? ये देखिए, ये देखिए बगल में जो देख रहे हैं ना हाईवे, उसके ऊपर जाना है। उसके बाद उसका जो फोटो वोटो कितना है, इसलिए जा रहा हूँ। तो दोस्तों हम तीन मूर्ति जा रहे हैं, देखिए टिकटॉक स्टार देवदास सामने दिखे ताकि ताकि चौ तो को पार्टी दिवे बड़ा बड़ा गाड़ी इधर ठोक देगा तो मैं तो जिंदा इधर इस तरह डेड बॉडी हो जाऊंगा। बगल में ये तो सॉन्ग मंदल है, पुलिस से देखते भाई जा माइडे जाओ, चलो माइडे अनेक जगह आ छे। ये देखिए इधर का मार्केट जो है, ये मार्केट है। और ये जीवन जा रहा है आगे, और ये हाईवे, ठीक है यार। वो देख रहे हैं आप निवराना का पहाड़, वो है पहाड़। और इधर देख सकते हैं जापानी जोन निवराना, ठीक है, वो केहिन का जो कंपनी है वो देख सकते हैं। ये देवदास कर रहा था काम कुछ दिन पहले, जो टिकटॉक स्टार है। तो दोस्तों यहाँ पर मछली लेने के लिए आया था, अभी तो मछली आया नहीं। ये देखिए ये वाला एक जगह है, लेकिन यहाँ से ही पहले आया, उसके बाद दूसरा तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। और ये देख सकते हैं ये हाईवे है पूरा, अगर दिल्ली जयपुर जो दिल्ली का जयपुर जो हाईवे है ना वही है। तो हम लोग अभी निमराना पे है, और निमराना का ये आप देख सकते हैं ये जापानी जोन निमराना है, जापानी जोन है, इधर एक पूरा जापानी है, ठीक है। हम लोग है हमारे इंडिया में, लेकिन हम लोग अभी जापान में है, ठीक है, क्योंकि ये जापानी का ही है, ये जापानी जितना कंपनी देख रहे सब जापानी जोन है। और इधर जितना कंपनी रहेगा इधर इंडियन है, ठीक है। तो ऐसा हाल है। तो अभी तो नहीं उठना चाहिए, ये देखिए वो देखिए हाथ बेकार है। दोस्तों ये आप देख रहे हैं ये गेट है, मतलब गेट मतलब कि जापानी जोन जाने का वो है केहिन का जो आप देख रहे हैं। और ये जो पहाड़ दिख रहा था, ठीक है। और ये हाईवे, ये यहाँ पर मछली लेना है, ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पर, और आगे थोड़ा जाना पड़ेगा। और ये जो देख रहे हैं हाईवे का, ठीक है। और ये देवदास आ रहा है होटल। तो दोस्तों अभी इधर से इधर भागते हैं। ये देखिए हाईवे को छोड़ दिया हम लोग, अभी नीचे जा रहा हूँ। चल चलो 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 तलती हूँ तो देख सकते हैं ये आ रहा है, लेकिन रुक जा रहा है, हम लोग रुक गया है इसीलिए।
तो चलिए आजा आजा आ। तो देख सकते हैं ये आ गया यहाँ पर। ओए तो दोस्तों अभी मछली बन गया, ठीक है। मछली जो लेके आया था तो मछली मिल गया, तो मछली बन गया और दोनों को देख सकते हैं अभी सो रहे, शांति सो रहे हैं और इधर गिर जा रहे। ये आप क्या है, ये वाला ये शांति है, ठीक है। ये जीवन है, इधर है, ये वाला जीवन है, ठीक है। तो अभी इधर देख रहा हूँ, ये देखिए ये कौन है पता है आपको? तो पता ही होगा, ठीक है। ये है देवदास जो अभी खिचड़ी बना रहा है, खिचड़ी बन रहा है। तो आ जाइए खाने के लिए। और मछली जो है वो भी दिखा रहा हूँ, मछली शांति ने बनाया, उसको भी मैं दिखा रहा हूँ कैसे बनाया। बहुत ही तो इसमें ढका हुआ है, ये देखिए, वाह देख सकते हैं। माछ बांटना बंगाली में बोलते हैं जो हमारे पास अभी, ठीक है। तो बहुत ही मजेदार। और ये खिचड़ी बांध रहा है जो, ये देखिए, ठीक है। अभी इसमें पानी डालना है, थोड़ा पानी डाल देता हूँ। अटू जल दे, ये देखिए अभी पानी डाल दिया इसमें, हो गया हो गया। अभी कुकर ढक्कन जो है उसको लेके ढक दे, तो इसको अभी ढक रहे, ये देखिए। तो अभी इसमें सिटी पड़ जाएगा, दो तीन पड़ जाएगा, तो उसके बाद उसको खोलना है, ठीक है। उसके बाद दिखाऊंगा क्या करना है। और ये जो है ना गुड़ है, बहुत ही मीठा, ये देखिए। तो इसको भी डालना है, तो इसको पहले भिगाना है, उसके बाद जब कुकर खोलेंगे ये वाला, उसके बाद डाल के फिर इसको चलाना है, ठीक है। तो अभी गेम चलेगा। আমার দিকে আসেন না ভাই, চা পাচ্ছু কর ভাই, বলে বেকার বলে দিল রে, পুচুন বলে দিল তার জন্য তোমার আমার দিকে গিয়েছিল। না না ভালো ছেলে বটে, পচায়ের দিকে যাবে, আটকে যাচ্ছে পচায়ের দিকে মনে হচ্ছে। জিতে গেছে শান্তি, জিতে গেছে। দেখি আমার দিকে আছে নাকি আবার, মাছটা এখনো আছে দেখো। গুপ্ত ধন কি? কিন্তু প্রথম বলছে বলছে গুপ্তধন কি বলছে, কত লোক বলছে প্রথমে গুপ্তধন হচ্ছে সে বিরাট মানে টাকা পয়সা ধন সম্পত্তি, এই বার তো বন্ধ কর দো গুপ্তধন। প্যান উতারনে ওয়ালা হো যে মানে ওই রকম সানডে সাসপেন্স হয় স্যার, গুপ্তধন গুপ্তধন একটা সানডে সাসপেন্স হয়, ঠিক আছে। মানে ওই ইয়ারটা হলো যে ক্যাপ্টেন টমসনের গুপ্তধন হয়েছিল আলাদা। তো কেসটা ওই যে আসল বলছে একটা বলছে তোমাকে ওই তোমাকে একটা বড় ঘর দিয়ে দেওয়া হলো, যে বড় বড় ঘরে তোমার মুন্না মানে সে যত টাকা পয়সা তোমার যা দরকার পৃথিবীর যা জিনিস দরকার সেই জিনিসটি তোমাকে দেওয়া হবে, তোমাকে কোনো জিনিসের জন্য বারণ করা হবে না। যে বলছে ঠিক আছে বলছে আমার যা জিনিস লাগবে সব আনিয়ে দিতে হবে বলছে হবে। ও ঘরের ভিতরে ঢুকে দিল, ও ধন সম্পত্তি টাকা পয়সা সব দিয়ে দেওয়া হলো, ঘর চাবি, ও যা খাইতে খুঁজে সেইটিও খাইতে দেয়, যা কিছু দরকার সেটিও ঘরে দিয়ে দেয়, ও ঘর থেকে বেরিয়ে দিতে পারবে না, একলা থাকি ও সব সময়। ও ছ মাস থাকার পরে লোক পাগলের মতন হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে, না গাছ না পালা না ফুল না পশু না পাখি
না বন্ধু না বান্ধব কেউ কোথাও নাই, শুধু যা জিনিসটি ওর দরকার, কোন জিনিসের ওর অসুবিধা হয় না, টাকা ও টাকায় বিষ্ণায় শুয়ে মানে ইয়াগুলোকে ছড়ে আইরে মনে সে মানে যে ইয়াগুলো সেই সোনা গয়না হার সব এমন ছড়ে আয় ওলু উপরে শুয়ে আয় সব সময়, কিন্তু ওখানে না পাখি না ফুল না প্রজাপতি না খোলা হাওয়া না কিছু এরকম কিছু নাই, তখন ছ মাস পরে ও পাগল মতন হয়েছে, তারপরে বলছে বলছে মানে যখন সে একবারে মানে তখন ও হার মানেনি যে আমাকে যেগুলো আমার সব ওরকম মানে ভাবছে ও তখন শেষ পর্যন্ত মানে তবু থাকতে লাগলো, বলছে না বলছে আমি আর থাকতে লাগছি বলছে ওটা বের করো বলছে তাহলে আমি মরে যাবো বলি, কেন বলছি তোমার কেন তো সব আছে পৃথিবী, ওই পৃথিবীর বলছে এত মানে মানিক এত রত্ন তোমার ঘরের মধ্যে দিয়ে আছে আর তোমার আর কি দরকার, তোমার কি দরকার বলছে না বলছে এগুলো আমার আর হবে না, বলছে তুমি লীলা তুমি লীলা বলছি তবু আমাকে বের করো বলছে ওই ঘরটার থেকে, বলছে না ওই তোমার বের করো না হবে না তোমার সব আছে তোমার আর কি দরকার বলছে, যখন সেই মানে গাছের নিচে দাঁড়িয়েছে আরো সে শব্দ শুনতে পাচ্ছে পাখিদের সে খোলা অক্সিজেন লিখছে সব মানুষ বন্ধুত্ব মানে বিরাট, তখন বলছে বলছে বইটা গুপ্তধন কি আসল, বলছে গুপ্তধন হচ্ছে এই খোলা মেলা আমার যে এরা মানে মানুষের সঙ্গে যে মানুষ আছে এটাই আসল গুপ্তধন, যেটা হচ্ছে খোলা পাখি নদী নালা অক্সিজেন এগুলো হচ্ছে আসল গুপ্তধন, আসল গুপ্তধনটা টাকা পয়সা লয়।